हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 200 गज की कोठी, वो भी सनी क्लेव सेक्टर 125 में। ये रहने वाली है हमारी 4 BHK की कोठी। एक बार आप आउटर एलिवेशन देख लीजिए। जैसे कि आपने आउटर एलिवेशन देखा, कलर कॉम्बिनेशन देख लीजिए, बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है। 30x60 का जो है ये प्लॉट रहने वाला है हमारा। तो आइए अब हम चलते हैं अंदर कोठी के। सबसे पहले यहाँ पे आप गेट देख लीजिए, हैवी आयरन जो है हम आपको गेट लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही आ जाती है हमारी कार पार्किंग स्पेस। स्पेस जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस ये रहने वाला है सारा। टेक्सचर पेंट जो है हम वॉल पे आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही आ जाता है हमारे यहाँ पे ग्रीन एरिया। तो ये रहेगा हमारा ग्रीन एरिया, इसको आप अपने हिसाब से कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इस वाली वॉल पे जो है हमारा टाइल वर्क रहेगा। तो ये जो है ये थी हमारी बाहर से। इसके साथ ही बाहर जो है हम आपको दे रहे हैं यहाँ पे पाउडर रूम। तो आइए अब चलते हैं अपने कोठी के अंदर। कोठी के एंटर होने से पहले यहाँ पे आप एक बार डोर देख लीजिए, कितना ही स्टाइलिश डोर जो है हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे, मैश डोर आपका। एंट्री कर लेते हैं। एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए आपका लिविंग एरिया, कितना ज़्यादा स्पेशियस ये हमारा एरिया रहने वाला है। एक बार देखिए इसको, वॉल पे आप डिज़ाइन देख लीजिए, फॉल सीलिंग आप एक बार देख लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। सामने मेरे बिल्कुल आ जाता है यहाँ पे LED पैनल आपके लिए। उसके साथ ही जो है हमारे यहाँ पे डाइनिंग एरिया जो है अलग से रहने वाला है। पार्टीशन एक बार देख लीजिए, वुडन जो है पार्टीशन हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही यहाँ पे आ जाती है हमारी विंडो। अभी भी जैसा कि आप देख रहे हैं सनलाइट जो है डायरेक्ट अंदर आ रही है। वॉल पे डिज़ाइन देख लीजिए, ये सारी हमारी वॉल रहेगी यहाँ पे विद टेक्सचर पेंट जो है हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, PVC डिज़ाइन हम आपको करके दे रहे हैं। फॉल सीलिंग एक बार देख लीजिए कितनी सुंदर बनाई हुई है हमने। फैन जो है एज इट इज़ आपको लगा हुआ मिलेगा। तो ये था हमारा लिविंग और डाइनिंग एरिया जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। एक बार आप इसका व्यू ले लीजिए लिविंग और डाइनिंग एरिया का। इसके साथ ही आ जाता है हमारा किचन। किचन रहेगा हमारा यहाँ पे भी जो है हम आपको वुडन डिज़ाइन लगा के दे रहे हैं, एक बार आप देख लीजिए ये सारा रहेगा। ये रहेगी हमारी किचन। किचन एक बार देख लीजिए, एल शेप में ये किचन रहेगी। कितनी बड़ी किचन है ये, काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशियस रहने वाली है यहाँ पे। यहाँ पे भी जो है हम आपको विंडो लगा के दे रहे हैं। इसके साथ आप कैबिनेट्स देख लीजिए, सारे कैबिनेट्स हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ये हम जो है वेट एरिया जो है अलग से दे रहे हैं यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका वेट एरिया यहाँ पे अलग से, बिल्कुल बिल्कुल ही सेपरेट जो है ये रहेगा। तो ये था हमारा किचन जो कि रहेगा काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस। तो ये था हमारा लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया, उसके साथ किचन। अब चलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे आपका पूजा रूम। इसको आप एज ए पूजा रूम या तो स्टोर रूम कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। तो ये रहेगा हमारा फर्स्ट बेडरूम यहाँ पे। बेडरूम में एंटर कर लीजिए। यहाँ पे जैसा कि आप डिज़ाइन देख रहे हैं नीचे एज इट इज़ रहेगा, फॉल सीलिंग एज इट इज़ रहेगी, LED पैनल यहाँ पे रहेगा आपका। उसके साथ ही मैं दिखा देती हूँ आपको आपके कबर्ड्स। इस साइड जो है आपके रूम के कबर्ड्स रहेंगे। उसके साथ ही आ जाएगा हमारा वॉशरूम। ये रहेगा हमारा वॉशरूम। वॉशरूम में जैसा कि आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेशियस, कितना बड़ा वॉशरूम है ये हमारा। उसके साथ ही मेरे बैक से साइड एरिया पे आ जाता है वॉशिंग एरिया। तो आइए भी आपको वॉशिंग एरिया दिखाती हूँ। तो ये रहेगा हमारा वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया एक बार आप देख लीजिए कितना ज़्यादा स्पेशियस ये रहने वाला है, कितनी बड़ी ये सारी जगह है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम यहाँ पे। उसके साथ ही मैं दिखा देती हूँ आपको आपका सेकेंड बेडरूम। ये है हमारा सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम में एंट्री करने से पहले आप एक बार फ्लोरिंग देख लीजिए। वुडन फ्लोरिंग जो है हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। एंट्री करते ही यहाँ पे आ जाता है वॉशरूम। तो ये रहेगा हमारा वॉशरूम, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस जो है बड़े वॉशरूम हम आपको बना के दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही दिखा देती हूँ अभी आपको बेडरूम। तो ये है हमारा बेडरूम यहाँ पे। आप एक बार LED पैनल देख लीजिए, डिज़ाइनर जो है LED पैनल हमारा रहेगा यहाँ पे। कपबोर्ड्स आप देख लीजिए, एक बार फुल हाइट तक हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे, ऊपर तक ये रहने वाले हैं। एक बार फॉल सीलिंग की और नज़र मार लीजिए, फॉल सीलिंग रहेगी बहुत सुंदर सी।
विंडो जो है हर एक रूम पे आपको मिलने वाली है। यहाँ पे भी विंडो रहेगी हमारी। लाइट्स जैसा कि देख रहे हैं सेम एज इट इज़ रहने वाली हैं आपकी। तो ये था हमारा 2 BHK जो कि बना हुआ है नीचे। काफ़ी ज़्यादा ये स्पेशियस है, जैसा कि मैंने आपको बताया 200 गज इसका एरिया है कोठी का। तो अभी मैं आपको लेके चलती हूँ आपके फर्स्ट फ्लोर की ओर। फर्स्ट फ्लोर के लिए जो है हमने आउटर स्टेयर्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये रहेगी हमारी आउटर स्टेयर्स यहाँ पे। रेलिंग जो है हम आपको लगा के दे रहे हैं यहाँ पे एल्युमिनियम की। तो अभी हम आ चुके हैं अपने फर्स्ट फ्लोर की ओर। फर्स्ट फ्लोर में भी आप फ्रंट पे एक बार बालकनी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशियस ये बालकनी रहने वाली है हमारी। फ्रंट पे जो है हम आपको ग्लास लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। तो आइए एंटर करते हैं। एंटर करते ही देखिए कितना बड़ा लिविंग एरिया आ जाता है हमारा। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस लिविंग एरिया ये रहने वाला है हमारा। LED पैनल यहाँ पे भी हम आपको लगा के दे रहे हैं। एक बार फॉल सीलिंग आप देख लीजिए, ये रहेगी हमारी फॉल सीलिंग विद LED पैनल। उसके साथ ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया। ये रहेगा हमारा डाइनिंग एरिया, यहाँ पे भी है कितनी बड़ी विंडो हम आपको लगा के दे रहे हैं। उसके साथ ये आ जाएगा हमारा इधर वॉशरूम। ये जो है पाउडर रूम हम आपको बना के दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही दिखा देती हूँ आपको आपका किचन। ये रहेगा आपका किचन यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा जो है स्पेशियस, इतनी बड़ी किचन मैंने तो नहीं देखी आज तक 200 गज के घर में। बहुत ही बड़ी किचन रहने वाली है। कलर कॉम्बिनेशन देखिए कितना प्यारा है यहाँ पे। वेट एरिया जैसे कि आपने नीचे देखा था अलग से रहने वाला है, सेम यहाँ पे भी अलग से रहने वाला है आपका वेट एरिया। तो ये तो था हमारा किचन। इसके साथ मैं लेके चलती हूँ आपको आपके थर्ड बेडरूम की ओर। पर उससे पहले हम यहाँ पे भी जो है आपको स्टोर रूम, पूजा रूम, जैसे भी आपको बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं इसको। तो ये है हमारा थर्ड बेडरूम यहाँ पे। रूम जो है कितने बड़े बड़े, कितने ज़्यादा स्पेशियस रूम यहाँ पे रहने वाले हैं आपके। LED पैनल देख लीजिए सामने, वॉल सीलिंग एज इट इज़ रहेगी। बैक साइड पे जो है बालकनी रहेगी यहाँ पे। उसके साथ मैं दिखा देती हूँ आपके आपके कबर्ड्स। तो ये रहेंगे हमारे कबर्ड्स यहाँ पे। कबर्ड्स का एरिया जो है हम सारे रूम्स में जो है अलग से दे रहे हैं आपको। उसके साथ आ जाता है हमारा वॉशरूम। वॉशरूम जैसा कि आपने नीचे भी देखा था, बाकी रूम्स में भी देखा था, काफ़ी ज़्यादा और बड़े और स्पेशियस हम आपको वॉशरूम दे रहे हैं यहाँ पे। उसके साथ ही मैं दिखा देती हूँ आपका फोर्थ बेडरूम। ये रहेगी हमारी फोर्थ बेडरूम की एंट्री। उससे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पे वॉशरूम। वॉशरूम के साथ ये रहेंगे हमारे कबर्ड्स यहाँ पे। रूम में एंटर करते ही ये रहेंगे हमारे कबर्ड्स यहाँ पे। LED पैनल हम लगा के दे रहे हैं आपको। फॉल सीलिंग एज इट इज रहेगी यहाँ पे। विंडो आप देख लीजिए कितनी बड़ी विंडो है। हर एक रूम पे जो है वेंटिलेशन है यहाँ पे। हर एक रूम के साथ विंडो हम लगा के दे रहे हैं, चाहे वो फिर किचन हो आपका, चाहे वो आपका लिविंग एरिया हो या डाइनिंग एरिया हो। एक बार आप नज़र मारिए कितना बड़ा स्पेशियस ये सारा एरिया रहने वाला ही है। तो ये था हमारी 4 BHK की कोठी। उसके साथ ही अगर छत पे जाने के लिए मैं आपकी बात करूं, आउटर स्टेयर्स यहाँ पे रहने वाली हैं। ये आउटर स्टेयर्स रहेंगी हमारी छत के लिए। नहीं तो मैक्सिमम आप देखते हैं कि कोठी बनती है तो पीछे से स्टेयर्स होती है, बट यहाँ पे जो है हम आपको बाहर से स्टेयर्स दे रहे हैं। सो दैट कि अगर आपके ग्राउंड फ्लोर वालों ने भी छत पे जाना हो तो वो आराम से जा सकते हैं। ये है हमारी छत यहाँ पे। लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्टर 125 के रहने वाली है। 4 BHK की ये कोठी है, 200 गज में बनी हुई है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करें।